नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे इस चैनल में। आप लोग को आज हम बिहार बजट 2023-24 के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जो कि आगामी बीपीएससी सुपर टेट का जो परीक्षा है बिहार में, उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी बिहार का वित्त मंत्री है, द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत किया गया। बिहार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विजय कुमार चौधरी के द्वारा बिहार बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, वर्ष 2023-24 के बजट का कुल आकार 2,61,885.40 करोड़ रुपये का है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट आकार 2,37,691.19 करोड़ रुपये से 24,194.19 करोड़ अधिक है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए, फिर आगे बढ़ते हैं। बजट आकार में पिछले साल की तुलना में 10.18% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की जो बजट थी उससे 10.18% की अब की बार का जो बजट है वो वृद्धि किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे बॉक्स में दिया गया है इसको ध्यान में रखते हैं कुछ। 2021-22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर जो था 6.0% वास्तविक, 2021-22 में देश का आर्थिक विकास दर 8.7%, 2021-22 में बिहार की विकास दर 10.98 वास्तविक, उसके बाद 2022-23 में बिहार का विकास दर 10.34% अनुमानित है, उसके बाद 2023-24 में बिहार की विकास दर 15.24% अनुमानित किया गया है अभी। इसके बाद विकास दर के मामले में बिहार देश का तीसरा स्थान है, विकास दर के मामले में बिहार देश का तीसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश 11.4% तथा दूसरा स्थान पर राजस्थान 11.4% का है। ठीक है, बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो 39.20% है। यहाँ पे हम समझे हैं, बिहार को करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है सर्वाधिक रुपया। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है, जो 38.14% है, उसके बाद समान सेवाओं में 28.38% खर्च होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 81.01% है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित था। ठीक है, अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71.79% रहने का अनुमान है। उसके बाद राजकोषीय घाटा के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजकोषीय घाटा 2021-22 जीएसडीपी का 3.78% वास्तविक, राजकोषीय घाटा 22-23 का जीएसडीपी का 3.47% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 23-24 का जीएसडीपी 2.98%, राजस्व बचत 2023-24 का जीएसडीपी का 0.52% अनुमानित है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 2023-24 का बजट 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ये 8 सूत्री प्राथमिकता क्या क्या है अब की बार का बिहार में, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है युवा एवं रोजगार पर खर्च किया गया है, पैसा दिया गया है जो कि खर्च करना है। उसके बाद दूसरा नंबर में है अनवरत महिला सशक्तिकरण। ठीक है, उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं अत्याधुनिकीकरण, पुलिस बल को भी दिया गया है इसमें। और पांचवा में है कृषि एवं ग्रामीण विकास, छठा में हरित विकास, सातवां में आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, आठवां में शहरी विकास। यहाँ पे इन सभी 8 विषय पर जो है अब की बार 23-24 का बजट जो है 8 सूत्री बजट को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद यहाँ है बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 एक दृष्टि में, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, देख लेंगे जो है अनुमानित। फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर रुपया कहाँ से आता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये है कि रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश 39.20%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.37%, राज्य सरकार के कर राजस्व 18.96%, लोक ऋण से 18.82%, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.48%, ऋणों की वसूली 0.16%। आगे बढ़ते हैं, रुपया कहाँ जाता है, अभी तो हम लोग देख लिए थे रुपया कहाँ से आता है, अब फिर रुपया कहाँ जाता है बजट में जो दर्शाया।